तो हाँ भाई करें शुरू। तो ये है Realme का C51 जो इन्होंने रिसेंटली लॉन्च करा है। 9000 रुपए इसका प्राइस है। अब इस प्राइस सेगमेंट के फोन हम अपने चैनल पर अनबॉक्स नहीं करते ना ही रिव्यू करते, बट ये फोन मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए ये वीडियो लाई जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी की बात करेंगे। तो अगर आपका दोस्त या कोई फैमिली मेंबर इसे बाय करने की सोच रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कर देना, उन्हें पता लगेगा कि फोन में क्या अच्छा है क्या बेकार है। बाकी चैनल पर पहली बार आए वीडियो इंटरेस्टिंग लगे चैनल सब्सक्राइब कर देना अपने भाई का चैनल समझ के, और वीडियो लाइक जरूर कर देना। अभी ये जो कलर है ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को भाई, मिंट ग्रीन है। मैंने 2 दिन ये फोन यूज करा और उसमें भाई काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा लुक है इसका, और अच्छी बात ये है भाई फ्लैक्स करने के लिए एप्पल वाला यहाँ पर कैमरा सेटअप भी दिया है सिर्फ देखने में, अंदर के मामले की बात हम आगे करेंगे। और यहाँ पर जब कवर लगा दोगे तो बिल्कुल ही एप्पल का फोन लगता है। बाकी प्राइस के हिसाब से बिल्ड अच्छे है, यहाँ पर मैट फिनिश दी है नीचे, ऊपर शाइनी है और ऊपर फ्लेयर्स भी आते हैं जब आप टिल्ट करोगे थोड़ा सा लाइट के अंदर। एंड यहाँ पर इन हैंड फील अच्छी है भाई, ऑल ओवर फोन का लुक और प्राइस के हिसाब से बिल्ड काफी सही है। अब यहाँ पर लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज है, जैसे आप फ्रंट से देखोगे ना, फ्रंट में मेरे को यहाँ पर बेजल चिन ठीक लगे, यहाँ पर ड्यू ड्रॉप नोज दिया, प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई करता है, लेकिन यहाँ पर कोई प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड नहीं दिया और दूसरे इसमें ओलियोफोबिक कोटिंग भी नहीं है। अब इस प्राइस सेगमेंट के किसी भी फोन के अंदर ओलियोफोबिक कोटिंग नहीं मिलती है, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट काफी लगते हैं, डिस्प्ले काफी जल्दी गंदी हो जाती है, और साफ करते तो साफ भी आसानी से नहीं होती है, मस्त आपको कोई ना कोई लिक्विड यूज करना पड़ेगा इसकी डिस्प्ले साफ करने के लिए। तो जैसी फोन अगर बाय कर रहे हो ना तुरंत स्क्रीन गार्ड लगा देना ताकि आपकी वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो रहा है, जब फोन चलाते हैं ना गंदा होने की वजह से भाई हाथ थोड़े से चिपकते हैं, जिसकी वजह से वो वाली फील नहीं आती चलाने में। तो मैं हर कंपनी से बात कहूंगा इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ना 100-200 रुपए और ले लो, लेकिन ओलियोफोबिक कोटिंग तो डाल दो। अब यहाँ पर डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं करा कि इसमें IPS पैनल है या TFT पैनल है, बस ये मेंशन करा है कि 720p डिस्प्ले, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में मेरे को जस्टिफाई नहीं लग रही है, क्योंकि जनरली इस प्राइस सेगमेंट के अंदर 1080p डिस्प्ले इजीली मिल जाती है। खैर उसकी बात आगे करेंगे, अभी मैं बता देता हूं कंपनी ने मेंशन नहीं करा, लेकिन जितना हमने आज तक का ज्ञान जोड़ा है उससे हमें ये पता लगा है कि इसके अंदर TFT पैनल है, क्योंकि व्यूइंग एंगल्स इसके काफी ज्यादा वीक है। हल्का से टिल्ट करोगे पूरी ब्लैक हो जाती है डिस्प्ले, तो काफी वीक व्यूइंग एंगल्स के साथ ये डिस्प्ले आती है। बाकी यहां पर अगर क्वालिटी की बात करें तो 720 डिस्प्ले है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। अब 90Hz भाई इस प्राइस पॉइंट पर ठीक ही चल रहा है, बट 720p डिस्प्ले की क्वालिटी अगर 720p कंटेंट देख रहे हो तो ठीक है, और 720p के ऊपर भी कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ जब अगर YouTube के अंदर कोई 4K HDR वाली वीडियो से प्ले करोगे तो 1080p तक प्ले हो सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 1080p वाले मजे देगी, पिक्सल तो इसके अंदर 720p वाले ही हैं। अब मेरे को इस फोन की जो पीक ब्राइटनेस है थोड़ी सी कम लगी है, लाइक मैं स्टूडियो लाइट के अंदर फोन यूज कर रहा था और 560 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, फिर भी मेरे को फुल ब्राइटनेस पे फोन रखना पड़ता था, और आउटडोर विजिबिलिटी भी इस फोन की सिर्फ ठीक है प्राइस के हिसाब से। अब यहाँ पर TFT पैनल है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो देंगे नहीं, और प्राइस भी तो जस्टिफाई कराना है, तो यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, स्पीड और रिकॉग्निशन ठीक लगी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, मोनो स्पीकर्स हैं, और फोन में ना सारे पोर्ट्स हैं, 3.5mAh का गड्ढा भी और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया है। और जब आप इससे चार्ज करोगे ना तो इसके अंदर मिनी कैप्सूल दी है जिससे आपको भाई मस्त एनिमेशन मिलती है, पर जो डायनेमिक आइलैंड है ना एप्पल का उसके अंदर, ये आपके बैटरी स्टेटस को बताता है, डेटा को बताता है कि कितना आप खत्म कर चुके अपना, तो ये काफी कूल सा लगता है। और इस फोन के ना UIs में पर्सनली इंप्रेस भी हूं, क्यों? क्योंकि मैंने रियलमी के जितने भी फोन यूज करे ना इस साल उनमें सब में भर के कचरा था, भर के ब्लोटवेयर था, एड पुश नोटिफिकेशन में परेशान हो गया था, मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं उनके लिए। खैर यहाँ पर इस फोन के अंदर लाइटर UI मिलता है रियलमी का टी एडिशन, जिसकी वजह से अगर ये सारी चीजें इसमें डालते तो ये फोन हैंग हो जाता, तो ये सारी चीजें नहीं है और काफी कम ब्लोटवेयर है। अब मेरे लिए ब्लोटवेयर हो सकता है आपके लिए ना हो, क्योंकि काफी लोग जो स्नैपचैट जैसी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो ब्लोटवेयर की जो टर्म है ना ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, मेरे लिए ब्लोटवेयर हो सकता है आपके लिए ना हो, बट यहाँ पर जो UI के अंदर कचरा है वो नहीं मिलता इसके अंदर, वो मेरे को अच्छा लगा। लेकिन भाई लाइटर UI की कमी आती है कि कहीं भी एनिमेशन नहीं है, ऐप ओपन करोगे वहां पर एनिमेशन नहीं है, यहाँ तक कि कैमरे से जब फोटो क्लिक करते हैं वो मेरे को सबसे बेकार चीज लगी इसके अंदर, पता ही नहीं लगता फोटो क्लिक हो गई है, बट फोटो क्लिक हो चुकी होती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एनिमेशन डाल सकते थे, बट मेरे को लगता है अगर एनिमेशन डालते तो फोन बिल्कुल हैंग कर जाता, और हैंग करता भी है। एक बग मेरे को मिला भी है नॉर्मल यूजेज के अंदर, क्योंकि मैंने ऐप ड्रॉअर के अंदर देखा है, जनरली जब भी ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो स्टक हो जाता है, बीच में वाइट हो जाती है डिस्प्ले, और ये एक बार नहीं रेगुलरली मेरे को 3-4 बार नोट हुआ है बग फेस, जिसको सॉल्व करने के लिए ना फोन को फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है, तो ये वाली चीज भी इनको फिक्स करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर और चीजों की बात करें तो इसके अंदर भाई स्टॉक एंड्रॉइड जैसा नोटिफिकेशन पैनल आता है, ये मेरे को ठीक चीज लगी। अब इस फोन के अंदर अगर प्रोसेसर और हार्डवेयर की बात करें तो इसके अंदर EMMC 5.1 की स्टोरेज है, LPDDR4X रैम है, इसके अंदर एक ही ऑप्शन मिलता है 464GB वाला। बाकी इसके अंदर प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर है UniSoC T612 प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर मैंने पहली बार यूज करा है, नॉर्मल यूजेज के लिए ठीक है, बट वो ये कि फोन के अंदर एनिमेशन की कमी डेफिनेटली फील होती है। बाकी गेमिंग के अंदर ना आपको BGMI में 30fps का ऑप्शन मिलता है, प्राइस के हिसाब से गेमिंग ये ठीक ठाक करा लेता है, इस प्राइस रेंज की ऑडियंस अपना माइंड फ्रेश करने के लिए ठीक गेमिंग कर सकती है, बाकी कोई हीटिंग इशू नहीं है इस फोन के अंदर। बस गेमिंग के टाइम पे दिक्कत ये है कि इसमें ओलियोफोबिक कोटिंग नहीं है, जिसकी वजह से गेम प्ले उतना अच्छा नहीं
करा जाता, बाकी इसमें डिस्प्ले की भी कमी है क्योंकि 720p की वजह से शार्पनेस अच्छी नहीं आती। और अगर आप जायरो से गेम प्ले करते हो ना तो टिंट इतना है हल्का सा टिल्ट करते ही कि भाई कुछ भी नहीं दिखता, तो इस चीज की कमी है इस फोन के अंदर। अब इस फोन के लेजेंडरी कैमरा की तरफ चलते हैं। दिखने में लगता है कि तीन कैमराज हैं लेकिन यहाँ पर एक ही कैमरा काम का है, वो है 50 मेगापिक्सल का। दूसरा जो नीचे कैमरा है ना, बताओ ये कितने मेगापिक्सल का हुआ? ये है अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन मेगापिक्सल कैमरा सेंसर, 0.08 मेगापिक्सल का सिर्फ, और ये कलर कैमरा सेंसर है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कलर देने के लिए, जो ना भी होता तो भी चल जाता। बट यहाँ पर फ्रंट की बात करें तो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब जितने मैंने यूज करे कैमरा में, ये चीज कह सकता हूँ कि अगर आप नॉर्मल फोटो क्लिक कर रहे हो तो प्राइस के हिसाब से ठीक फोटोज कैप्चर करता है फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा। लाइट कंट्रोल ठीक है, बैकग्राउंड में भाई HDR अच्छे से हिट कर लेता है, लेकिन जैसे आप पोर्ट्रेट मोड लगाओगे दिखता है कि भाई 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 50 मेगापिक्सल के साथ भी सेम सीन है, काफी ज्यादा ओवर शार्पनिंग सी कर देता है और कॉन्ट्रास्ट भी हाई कर देता है। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल फोटोज क्लिक करते हो तो कैमरा अच्छे हैं प्राइस के हिसाब से, लेकिन पोर्ट्रेट फोटोज ज्यादा क्लिक करते हो तो वहां दिक्कत हो सकती है क्योंकि वहां पर ओवर शार्पनिंग और HDR अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। और ये तीसरे वाले में ना फ्लैश दी गई है। बाकी इस दुबले पतले फोन के अंदर आपको 5000 mAh का बैटरा मिलता है जो कि इस प्राइस रेंज की ऑडियंस को टारगेट कर सकता है, और 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी है। और अच्छी बात यह, चार्जर अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है, बॉक्स के अंदर ही दिया है। तो यहाँ पर भाई चार्जिंग स्पीड अच्छी है और बैटरी बैकअप खुल के बताऊं तो फोन के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, और जनरली इस प्राइस रेंज के फोन आराम से 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप निकाल देते हैं, और सेम सीन यहाँ पर है। तो बैटरी बैकअप के मामले में मस्त है फोन। और रियलमी ने रिसेंटली ना अपने ये T300 ईयरफोन्स भी लॉन्च करे हैं जिनकी बिल्ड काफी अच्छी है, सिर्फ 2300 रुपए के ईयरफोन्स है और यहाँ पर उसके हिसाब से बिल्ड काफी बेहतरीन है। प्लस इसके अंदर 12.4 mm का ड्राइवर है, 50 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी और नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाते हैं। भाई प्राइस के हिसाब से मैं हमेशा बोलता हूँ कि Realme साउंड प्रोडक्ट काफी अच्छे लॉन्च करता है, बट यहाँ पर अगर इस पर चलें तो 9000 रुपीज के हिसाब से ये फोन मेरे को थोड़ा सा कमजोर लगा है, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर में कुछ ज्यादा एनिमेशन की कमी है। बिल्ड वगैरह अच्छी है, देखने में शायद आपको लालच आ जाए कि क्या मस्त फोन निकाला है, लेकिन सबसे बड़ी कमी आती है इसकी डिस्प्ले में, जिसमें विंगनेस में काफी प्रॉब्लम है, शार्पनेस अच्छी नहीं है। और दूसरी कंपनी आपको आराम से 1080p डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले भी ऑफर कर देती है इस प्राइस सेगमेंट में। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, बाकी आप बताना आपको कैसा लगा ये फोन। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्द एक कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन मैं गाइस वो करे टू वॉच योर हार्ट फिल स्टे ट्यून विद एचएफवीएन बॉक्स गाइस।